आरा अपने नगर निगम से मेयर प्रत्याशी सरिता देवी के प्रतिनिधि पूर्व मेयर अवधेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव तय तिथि पर ही होगा और इस बार जनता प्रत्याशियों की छवि के आधार पर वोट देगी। चुनाव आज हो या कभी भी हो, लेकिन हम हर समय जनता के बीच रहते हैं, इसलिए हमें प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जनता के बीच नहीं रहते हैं वह प्रचार प्रसार के लिए सोचे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। पूर्व मेयर अवधेश यादव ने कहा कि जनता सभी प्रत्याशियों की छवि को जानती है, इसलिए इस बार का चुनाव वह छवि के आधार पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहले तो आपको बताते हैं कि चुनाव फाइनल है कि होगा, इसमें कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है, और सरकार हम इस निर्णय का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से तमाम भगवान रूपी जनता को मैं नमस्कार सलाम करता हूं, और मेरी पत्नी सरिता देवी मेयर प्रत्याशी 22 नंबर पर जोड़ा हिरन छाप है। मैं जनता से अपील करता हूं कि अपना बहुल मूल वोट 28 तारीख को अपने बूथ पर जाकर भारी मतों से जीता। आप लगातार सक्रिय रहे हैं, बीच में फिर लगा के चुनाव का तिथि जो होते होते टल गया, फिर एक बार शुरुआत में आया, फिर 18 और 28 को जो दिसंबर में घोषित हुआ उसमें भी कुछ पेच फंसा, उसके बाद फिर लोगों को लग रहा कि नहीं होगा, तो ऐसे में उम्मीदवार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है? क्योंकि चुनौतीपूर्ण तो चुनाव कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, और ये जो अभी इस बार जो हुआ है इस तरह का कभी नहीं है, नोटिफिकेशन के बाद कभी इस तरह का नहीं हुआ है, और पहला बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे प्रत्याशी हाथ हुए हैं, मगर हम लोग तो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, आज जनता के बीच में हमेशा जाते रहते हैं। चुनाव आज हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, कल होगा नहीं होगा, हम लोग जनता के बीच में एनी टाइम रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, आज जनता से हम लोग जन सेवा करते रहते हैं, इसलिए हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए नए जो प्रत्याशी हैं हो सकता है उनको कुछ दिक्कत होगा, पर हम लोग तो हमेशा इसी प्रक्रिया में रहते हैं, सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, समाज के साथ जुड़े रहते हैं, हम लोग को तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। पूर्व में आप भी मेयर रह चुके हैं इस आरा नगर निगम के, तो कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है इस बार का चुनाव? देखिए, इस बार तो चुनाव आप देख रहे हैं कि इस बार चुनौतीपूर्ण है नहीं, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है जनता को देना है ना जी, तो जनता को देना है। जनता स्वच्छ छवि के खोज रही है, स्वच्छ छवि के कौन उम्मीदवार है, छवि पर इस बार वोट हो रहा है। जनता जहाँ जा रहे हैं देख रहे, जनता अपने से झुंड पूरा जन सलाब उभर रहा है, और कहीं भी आप भी पत्रकार हैं, आप भी जाते हो घर हैं, यहाँ छवि पर हो रहा है कि शहर को स्वच्छ सुंदर कौन बनाएगा। अगला पहले जो मेयर रहा है, जितने लोग रहे हैं उसमें हम भी थे, उसका कार्यकाल में क्या हुआ, किसके कार्यकाल में घोटाला हुआ, किसी के कार्यकाल में सदस्यता रद्द हुआ, तो इस तरह का प्रक्रिया तो जनता जान रही है और जनता समझ रही है। इस बार जनता को वोट देना है, तो हमको ये लग रहा है कि किसी तरह का आपराधिक किस्म का जो हो, चाहे किसी का घोटालेबाज जो है, उसको जनता इस बार नकारने जा रही है, और स्वच्छ छवि का जो आदमी है उसी को जनता इस बार वोट देगी। अक्षर प्रचार के लिए 15-16 दिन शेष बचे हैं, इतने दिनों में प्रचार 4500 वार्ड में करना है, किस तरह से आप लोग प्रचार करते हैं? प्रचार तो हम लोग कह ही रहे हैं कि हम लोग एनी टाइम लगे, प्रचार तो 15 दिन बचा है, चाहे पहले से हम लोग लगे हुए हैं, 6 महीना पहले से लगे हैं, और चुनाव बीच में रद्द हुआ उसके बावजूद भी हम लोग प्रचार करते रहते हैं। और ये चुनौतीपूर्ण हमको तो नहीं लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम लोग शुरू से लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव हुआ तब लगे हैं, इच्छा हमारे साथ तो कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। क्या लगता है कि नगर निगम में किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए आपके आने के बाद? देखिए, नगर निगम का जो देख रहे हैं इस समय कचरा की स्थिति बना हुआ है, सारा रोड जर्जर हो गया है, और देख ही रहे हैं कि बरसात के समय में पानी रोड पर आ गया, तो जर्जर स्थिति है। तो इस बार जो हम जब मेयर थे 12 तक कोई तरह का शहर में इस तरह का जर्जर नहीं हुआ था, कोई ऐसा मेयर प्रत्याशी हो या विधायक हो या सांसद हो को ये सामाजिक स्तर पर काम करने का तो हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि छठ घाट जो है आप देखिए रहे पूरे शहर में जितने छठ घाट बना है वो सारा छठ घाट बनाया हमने, मुक्ति धाम बनाया, गरीब का बस्ती बनाया, तो सब लोग देखे हैं कि अपने रीजन में हर रोड पर हर जगह वेपर लाइट का व्यवस्था किया, किसी तरह का अतिक्रमण जो था उसको साफ सुथरा हम लोग किया, गरीब को बसाने का काम किया, तो इस तरह का हुआ। इस चुनौतीपूर्ण निगम में तो है, क्योंकि भ्रष्टाचार बड़े सीमा पर है,
तो उसके लिए हमने एक योजना बनाई है, अपने एजेंडा में एजेंडा दिया है, 7 नंबर एजेंडा मेरा जो है, उसमें 5000 नौजवानों को शहर के निवासी को निगम में बहाली होगी सरकारी प्रक्रिया के तहत, और यहाँ के लोग रहेंगे तो बहुत सा परिवर्तन होगा। कई प्रत्याशी अपने जात के वोटरों को लुभाने में लगे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि कितना मुश्किल होगा? देखिए, जात का अगर जो राजनीति करते हैं उनको, कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, जो जात के राजनीति करते हैं वो लड़ाई में दिखाई नहीं देगा। जात का राजनीति करने वालों को जनता भी नहीं चुनेगी, क्योंकि सब समाज को जो लेकर चलेगा वही उम्मीदवार को जनता इस बार वोट देगी, और जातिवाद करने वालों को जनता नकार देगी। जनता से क्या अपील करेंगे, अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए। जनता से मैं अपील करता हूँ, भगवान रूपी जनता से, कि मेरी पत्नी सरिता देवी क्रम संख्या 22 पर जोड़ा हिरन छाप है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि जो पहले 12 वाला जो नगर निगम था उससे बेहतर बनाने का मैं काम करूँ। जनता से ये अपील करता हूँ कि अपना बहुल वोट जाकर अपने बूथ पर जाकर दे, यही जनता से अपील करता हूँ, और शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि अवधेश यादव जो सपना देखा है कि आरा शहर को स्वच्छ सुंदर और ग्राउंड नाला बनाने की जो योजना है, इस बार जनता देती है तो शहर को हम विकसित शहर बनाएंगे। धन्यवाद।